राजस्थान में आगामी 4 दिनों तक कृषि उपज मंडियां बंद रहेंगी। राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में सोमवार से कृषि कल्याण शुल्क लागू हो गया। इस शुल्क को खत्म करने की मांग को लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने मंगलवार से 4 दिवसीय व्यापार बंद की घोषणा की है, जिससे करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित होने की आशंका है। संघ के अध्यक्ष वीएल गुप्ता ने बताया कि अभी तक कृषक कल्याण शुल्क आधा फीसदी था, जो कि सोमवार से 1% हो गया। सरकार को मांग पत्र दिया हुआ है, जिसके तहत मांग की गई है कि कृषक कल्याण फीस समाप्त की जाए, मंडियों के बाहर और भीतर 1 कर वसूला जाए। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के भवन के लिए आवंटित भूखंड में सरकार की ओर से मांगी जा रही 1% वार्षिक लीज मनी की मांग को समाप्त किया जाना चाहिए। किराए की दुकानों में बैठे व्यापारियों को मालिकाना हक डीएलसी की 25% राशि पर दिया जाना चाहिए। साथ ही जहां डीएलसी की दर अंकन में